Angle APR. AP is congruent to PR, correct? Reason? Radii of sensor. APR, PR, dikha hai? Baaki ka matlab. Triangle RQB. RQB triangle dikha hai? Right side ke circle ka. RQ is congruent to QB? Yeah. Reason? Yeah. Okay. अब अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलस ट्रायंगल. तो APR की तरफ देखते हैं. ट्रायंगल APR. AB is congruent to PR. तो एंगल ARP should be congruent to एंगल PAR. करेक्ट है क्या? Angle ARP and angle PAR. Stop लग रहा है? नहीं है? अब दूसरा triangle. Triangle BQR. Okay. QB is congruent to QR. Again radii of same circle. अगर ये दोनों congruent है, then angle QRB should be congruent to angle QRB and QBR. Is it without it? No. Let's take the confusion off. No doubt. Ekdam barabar samajhna. PRA and angle QRB. Ye dono angle mein kuch relation nahi hai. Angle PRA and angle QRB. Vertically opposite. अगर वो vertically opposite है तो ये दोनों क्या बचेगा? Congruent बचेगा. ये दोनों congruent हैं. तो ये दोनों भी congruent. Correct है? तो angle PAR is congruent to angle QBR. यहाँ तक आ गए. Angle PAR is congruent to angle QBR. But PAR और QBR कैसे बन रहे हैं? ऐसा कुछ बनता है. ऐसा दोनों angle बनता है. Alternate angles form हुआ ना. कौन सा transversal है वहाँ पे? Transversal AB है. ये transversal होता है. AB. PAR और QBR ये दोनों congruent हैं. Then क्या हो गया? PA या फिर AB. Is parallel to ये समझना AQ दिया है by which test by alternate angles अभी डाउट है ओके फर्स्ट पार्ट हो गया ये इसमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया सेकंड ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB ये सिमिलर है क्या टेस्ट फॉर सिमिलरिटी कितना था कल उसको तुम लोग 4-5 पक्का हाँ तो ट्रायंगल APR देख रहा ना बस ट्रायंगल APR एंड RQB इसमें एक तो वर्टिकल एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और एक एंगल हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ये ऑलरेडी दिया है PAR एंड QRB ये दोनों एंगल्स क्या हो गए ये भी कॉन्ग्रेंट है एक एंगल क्या है वर्टिकली ऑपोजिट है और एक एंगल अगर फाइंड करना है तो वो भी मिल जाएगा तुम लोग को अगेन बाय अल्टरनेट एंगल्स ओके तो यहाँ पे तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो भी दो एंगल लिख सकते हो ओके वो दो एंगल यूज करके भी आप लोग बोल सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सेकंड पार्ट हो गया इसको नहीं समझा Find angle RQB if angle PAR is 35. ये use करते हैं। अगर PAR 35 है, तो QBR क्या है? 35 है। अगर QBR 35 है, तो QRB क्या है? तो triangle QBR है। Triangle QBR. Angle QRB plus angle QBR plus angle RQB. RQB ये तीन एंगल्स ऐड किया तो कितना मिलता है
इन दोनों का मेजर 35 इक्वल टू 180. तो इसका वैल्यू क्या होगा? 35 प्लस 35 क्या हो जाएगा? 70. 180 माइनस 70 इक्वल टू 110. आंसर यहां पे आ गया. मेजर ऑफ एंगल आर क्यू पी इक्वल टू 110. तीनों पार्ट समझ गया? यस. डाउट है? एक्सप्लेनेशन हो गया है? लोग साथ में लिख सकते हैं. रुकना नहीं है, लिखना ही है. अगर किसी को लिखने का मन नहीं है तो मैं वेट नहीं करता, फिर कर देता. एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया. गिवन में क्या लिखेंगे तुम्हें? क्वेश्चन का टेक्स्ट है वो रीड करके सोचो ना क्या लिखेंगे. लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो. सर्कल्स विद सेंटर्स पी एंड क्यू टच ईच अदर एट आर. सर्कल्स विद सेंटर्स टेक्स्ट बुक है, बता रहा हूँ. टेक्स्ट बुक रेफरेंस करो. So circles with centers P and Q touch each other at R. A line crossing through R hits the circle at A and B. और कुछ है क्या given? नहीं. Angle PAR equal to 35 degrees. Angle PAR equal to 35 degrees. To prove, वो दोनों step लिखो. First one and second one. Segment AP parallel segment BQ. Triangle APR similar to triangle RQP. अब टू प्रूफ से स्टार्ट किया हमने, लेकिन थर्ड पॉइंट में तो फाइंड करने पड़ा, तो क्या करेंगे? टू फाइंड क्या है? मेजर ऑफ एंगल आर क्यू. सॉल्यूशन लिखेंगे प्रूफ के. फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी सॉल्व करते हैं. ट्रायंगल ए बी आर सेगमेंट ए बी बी ए सेगमेंट बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी आर. रीजन क्या है? रेडियस ऑफ सेंटर. सर देख सकता है रेडियस ऑफ सेंटर, कोई कंफ्यूजन नहीं है? कितना नहीं जस्टिफिकेशन क्या है? रेडिया ऑफ द सेंसर का. तो ये आइसोसेलेस एंगल होगी. इसका ऑपोजिट का एंगल क्या है? देयरफॉर एंगल पी आर ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ए आर. आइसोसेलेस ट्रायंगल isosceles triangle here. So equation one mark.
इन ट्राइंगल सेगमेंट क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर. करेक्ट लिखा गया सेगमेंट क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर. टेक्स्टबुक में है फिगर क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर. जस्टिफिकेशन क्या है कहेंगे रेडियस ऑफ द सेंटर. देयरफॉर इसका ऑपोजिट एंगल आएगा एंगल क्यू आर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर बाय आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम इक्वेशन नंबर. बट इन दोनों में अपने को रिलेशन पता है. एंगल पी आर ए फिगर में देखो एंगल पी आर ए एंड एंगल क्यू आर बी. ओके बट एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी. रीजन क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. PRA is the LHS of 1, QRB is the LHS of 2. अगर ये दोनों equal है, then इन दोनों का RHS भी equal है. समझ में आ रहा है क्या होता है? अगर ये दोनों equal है, sorry ये दोनों equal है, then इन दोनों का RHS भी equal है. But हम लोग ये कहाँ पे use करते हैं? नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है देयरफॉर जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे. जस्टिफिकेशन में बोला देयरफॉर सेगमेंट एपी पैरेलल सेगमेंट बीक्यू. रीजन क्या है अल्टरनेट एंगल. First part done. Second में prove करना है कि angle APR is similar to triangle APR is similar to triangle RQB. Already ना इसमें दो एंगल्स अपने पास रेडी है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स रेडी है अपने पास और बहुत सारे रेडी है. ये भी रेडी है क्यू आर बी इज कॉम्प्लीमेंट टू क्यू बी आर. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स रेडी है. हाँ ऑल्टरनेट एंगल्स रेडी है. ठीक है अपने पास दो एंगल्स ऑलरेडी है ऑल्टरनेट एंगल्स. हाँ ऑल्टरनेट एंगल्स ये दो एंगल्स हम लोग यहाँ पे क्या करना बस मेंशन करना. इन ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा बोला है एपीआर एंड ट्रायंगल आरक्यूबी ये कौन सा एंगल एआरसी एंगल पीआरए आईआरसी के लिए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यूआर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. आपको एक एंगल फाइंड करके तुम लोग बोल सकते हैं कौन सा एंगल लेना है.
अल्टरनेट एंगल में दोनों भी आएगा, दोनों एंगल पी ए आर एंड एंगल क्यू बी आर अल्टरनेट एंगल। हाँ एंगल पी ए आर कॉन्जुगेट का एंगल क्यू आर भी उसको कॉमन एंगल पी आर पी पी ए आर अभी तो समझ में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये सोचते हैं सर वर्टेक्स सेम आया तो कॉन्ग्रुएंट होगा कॉमन एंगल, वो दोनों अलग अलग साइड में फेसिंग है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, बस वर्टेक्स ही सेम है। वेरी गुड, तो पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर बी, ये हो गया। अब हम लोग ये चाहे तो लिख सकते हैं या फिर और कुछ लिखना है तो होगी, मतलब दोनों पेयर ऑफ एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का रीजन भी सेम है अल्टरनेट एंगल से, है ना। ठीक है, एंगल पी ए आर एंगल पी ए आर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी आर पी आर, करेक्ट लिखा ना, अल्टरनेट एंगल। हां इसका इक्वेशन 4 मार्क्स के तो डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, नहीं तो लिखो अल्टरनेट एंगल दोनों भी सकते हैं। So therefore, triangle APR is similar to triangle RQB by AA test of similarity. By AA test of similarity, क्या होता है similarity? फर्स्ट पार्ट का सेकंड लास्ट लाइन पे इक्वेशन 4 मार्क। हाँ एक एंगल का वैल्यू दिया है एंगल बी ए आर, एंगल बी ए आर इज 35 डिग्री। अगर एंगल बी ए आर 35 है देन एंगल क्यू बी आर क्या है, एंगल क्यू बी आर इक्वल टू 35। ये कहां से समझना है तो फ्रॉम 4 QBR 35 है तो QR भी क्या है, also angle QRB is 35 degree, ये कहाँ से समझ में आ रहा है from 2। इसको आगे का समझ में आ रहा है continue कर सकते हैं। Now in triangle Now, in triangle RQB, angle QBR plus angle QRB plus angle RQB, RQB equal to 180 degree. इसका justification क्या है? पता है ना? Sum of measures of all angles of a triangle. इन दोनों का measure तो 35
सर मार्क्स मिला, मार्क्स मिला, मार्क्स मार्क्स मिला, कितना मिला? 20 हाँ 20 20 20 20 मैं तो नहीं मार सकती सब ऑर्डर 20 है कितने लोगों को मार्क्स नहीं मिला एक ही आधुका नहीं मिला देखो नहीं मिला कौन सा स्कूल का तो अकेला स्कूल से वो स्कूल से एक ही स्टूडेंट है क्या कितने हाथ उठा तो मिला है आप नीचे करो गूगल फॉर्म में दिया था तो उधर मार्क बता दिया मतलब ऐसा ओपनली भी बताया नहीं बहुत गूगल फॉर्म में आ जाता है ओपनली नहीं तो कैसे गूगल फॉर्म में कितना खत्म मार्क्स मैं मारने दे वाला स्केल ऐसे पॉइंट नहीं मिला दोनों को हाँ ठीक है 15 मॉडल अरे वैसे टीचर कौन है वीडियो में रहते हैं कौन है लास्ट ईयर पर क्या वीडियो में रहते तो क्या नाम नहीं होता अरे टाइम पर हम लोग अटेंड वीडियो लॉग पे रोबोट है व्हाट्सएप पे रहते हैं देखो वॉइस कॉल में लोग एज तक वो टीचर उनको नाइट में सिखाने आया तब वो वीडियो में आया उतना दिन तो सामने आती थी पर अटेंड ही नहीं करते अरे ऑफलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं टॉपिक यहाँ पे आते
नॉर्मली अपने को शशि करके देते हैं 8 की ना बाकी डिटेल सब को आईडिया आता है कि हां ये नाम है हां ये दो सर्कल्स दिया है टचिंग सर्कल्स है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ई द सेंटर्स आर ए एंड बी एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है यहां पे वो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सर्कल्स आर सी एंड बी सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है लाइन एल है टेंजेंट अब हम लोगों को कुछ यहाँ पे प्रूव करना है प्रूव नहीं करना फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सीडी ये लो इफ रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर कितना है 4+6 आएगा मैं सीडी का पूछ 4+6 आएगा तो मैं पागल इतना बड़ा डायग्राम बना ये सब कंस्ट्रक्शन बना के रखी ये 4+6 होगा ये और ये कॉम्प्लीट होगा हाँ क्या बात है नहीं सर पुल में हुआ है पैरेलल हो सकता है हाँ हाँ पुल में हुआ है नहीं मालूम नहीं बहुत इजी एबी का लेंथ कितना आएगा एबी का लेंथ कितना आएगा ये कंस्ट्रक्शन क्या है करके मैं बता रहा हूं एसी मैंने ड्रा किया है रेडियस सॉरी रेडियस है बीडी ड्रा किया है एबी रेडियस एसी और इसका बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री है इसे बीच में डाउट किया कौन सा क्लियर है सर किसका आंसर दो तीन क्वेश्चन आ गया तो क्या एंगल ए सी डी क्या रहेगा 90 डिग्री एंगल बी डी सी क्या रहेगा 90 डिग्री अब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम ए टू साइड या फिर सेगमेंट बी डी ए एफ इज परपेंडिकुलर ये मेरा कंस्ट्रक्शन ए एफ इज परपेंडिकुलर टू बी डी quadrilateral A F B C ये कैसा टाइप ऑफ quadrilateral rectangle है sir rectangle है तीन angle में तो fourth angle क्या होगा हाँ fourth angle भी right angle ही होगा fourth angle 90 क्यों होगा तो बता सकते हैं तीन ही आएगा ओ Sum of all angles of a quadrilateral equals to 360 degree. हाँ very good very. सर आंसर बोल रहे हो तुम टांग पेट वो बोल देगा. हाँ. ये तीन angles 90 हैं. Total कितना होगा? 3×90 कितना होगा? ये 360 है तो 180. 270 degree. 270 हुआ. Sum of all angles of a quadrilateral हमेशा 360 होता है 360 तो इसमें से ये 270 हुआ ये क्या है 90 degree चारों angle 90 हो 90 degree अगर चारों angle 90 है then ये क्या हो गया ये rectangle ठीक है तो अगर AF का length हम लोग find कर सकते हैं then हम लोग CD का length find कर समझ रहे हैं तो question ये है कि AF का length कौन find क्या आएगा ये हाँ तो बोल सकते हैं अगर AF फाइंड करना तो किसका यूज करना है AB इज 10 तुम लोग ने बताया अगर AB 10 है तो AF कैसे फाइंड इतना नहीं क्लियर AB और AF में
कुछ रिलेशन लग रहा है ए बी और ए एफ का कोई रिलेशन है? नहीं है। एनीथिंग? हाँ कौन है? किसमें लगे? वेरी गुड। ए एफ बी जो ट्राइंगल है इसमें एक एंगल देखो 90 डिग्री है। चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बट पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये लेंथ रिक्वायर्ड है। ये और ये रहेगा तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। वी नो द रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, बट दो साइड तो सेम, एक ही साइड पर सब कुछ है। ये कौन फाइंड करेगा? सर एंगल डी बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। डी बी ए डी नहीं रॉन्ग करस्पॉन्डिंग एंगल्स नो करस्पॉन्डिंग क्यों? ये लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग। हाँ तो ध्यान दे यहाँ पे ए सी का लेंथ पता है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट ए सी का लेंथ पता है क्या? हाँ सर रेडियस है। ये तो रेक्टेंगल हमने बता दिया ना पहले, तो ये अगर 4 है तो ये क्या रहेगा? डी बी क्या है? रूट ऑफ 104 निकालो पत्नी आए क्वेश्चन अच्छे से सुनो।
फिर ऐसा और मैं बोलो 104 कितने लोग को आया, उनको हाथ ऊपर करना। 104 रूट ऑफ 104 है जो कि वो आया, कितने लोग हाथ ऊपर करना, कितने सर समझा? बाकी लोगों को कुछ तो हो गया लगता है सर, ट्रायंगल उल्टा है ना। रुकना, और कुछ आंसर आएगा? 96 कितने लोग का 96? ए एफ बी ट्रायंगल अभी साउंड आएगा देखो, अरे ए एफ बी ट्रायंगल है 90 डिग्री कितने AB square equal to AF square plus 10 square equal to 16 into 6 equals to 4 root 6 sir. 4 इधर जाएगा तो कुछ होगा ना? हाँ होगा, माइनस। जस्टी की मेजोरिटी कुछ सिक्सटीन इंटू सिक्स ये दोनों का ये जो अपने मन में हमेशा ऐसा रहता है, ये थोड़ा आड़ा तेरा कुछ रहेगा ना वो हाई कोर्ट का, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है ना, ये और ये परपेंडिकुलर लग रहा है ना, मैंने तो यहाँ पे सिंपल दिया है, फिर भी लग रहा है तो सबको क्या? 100 - 4 कितना है? 96 16 × 6 ये तो हमको पता ही नहीं, 12 के टेबल क्या कुछ पता ही नहीं हमको, ये कौन सा दुनिया क्या पता। 4 root 6 तो इसका रूट आएगा 4, इसका रूट आएगा रूट 6, 4 root 6 आएगा इसका सेंटीमीटर। अब 400 मेजॉरिटी देखिए बेटा, आंसर स्टार्ट करते हैं सर। टाइम है given लिखा है सर, given given में टेक्स्ट में दिया है वही स्टेटमेंट लिख रहा है। सर्कल सेट सेंटर, सर्कल सेट सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर एट ई, लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल सेट सी एंड डी। रेडियस कितना तुम लोगों फिर आएगा? 2 पाइन, 2 पाइन में क्या आएगा? लेंथ ऑफ सेकंड क्या है? सेकंड सेकंड क्या है? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? ड्रॉ एसी
AE, BE and BD, मतलब चारों हो रही है यहाँ पे AC, AE, BD और BE, ये सब और एक चीज बाकी है AF perpendicular to BD, AF perpendicular BD such that B dash F dash D, such that B dash F dash D. सॉल्यूशन हम लोग कर देंगे कल यानी कि नेक्स्ट।